हे दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप फेफ वर्ल्ड में। दुनिया में कई सौ ऐसी भूतिया जगहें हैं जिनका नाम सुनते ही डर लगता है। उसी तरह हमारे देश में भी कई ऐसी जगहें हैं जो भूतिया जगहों के नाम से मशहूर है, जहां पर कोई भी नहीं जाना चाहता। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के 5 सबसे भूतिया जगहों के बारे में। वैसे आपको भी अगर किसी भूतिया जगह के बारे में मालूम हो जहाँ आपको डर लगा हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, ब्रिज भवन पैलेस, कोटा, राजस्थान। बात 1857 की है, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था और इस महल में रहता था ब्रिटिश मेजर चार्ल्स बुटेन। कहा जाता है कि एक दिन राजा के दुश्मनों ने अचानक से उनके महल को घेर कर उन्हें और उनके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने लोगों को तब चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि उन्होंने मेजर को हॉल में देखा है जहाँ पर उस मेजर को मारा गया था। उसके बाद से ही आए दिन इस महल के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। बहरहाल अभी ये भवन होटल के रूप में तब्दील हो गया है, लेकिन आज भी वहाँ के कर्मचारी इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि जब वो रात में सो जाते हैं तो कोई उन्हें थप्पड़ मारता है। हालांकि ये भूत किसी को तकलीफ नहीं देता, लेकिन वहाँ के गार्डन से लेकर होटल तक भूत की आहट आती रहती है। नंबर 4, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। गोवा सुनते ही हमें खूबसूरत बीच की याद आती है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आजादी के बाद भी कई सालों तक गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था। कहा जाता है कि एक समय यहाँ 3 राजा हुआ करते थे जिनमें हमेशा राजगद्दी को लेकर झगड़े हुआ करते थे। उन्हीं राजाओं में एक का नाम था होलगेर राजा। एक दिन होलगेर ने इसी चर्च में दोनों राजाओं को आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर दोनों को मार दिया। फिर क्या, जब इस बात की खबर लोगों को पता चली तो लोगों ने राजा को महल में घेर लिया। जनता का गुस्सा देखकर इस राजा ने खुद की जान ले ली। कहा जाता है कि उन 3 राजाओं की कब्र उसी चर्च में है और उनकी आत्माएं आज भी भटकती रहती हैं। कई बार तो चर्च में आए लोगों को उनकी आहट भी सुनाई देती है, इसीलिए इस चर्च को आज भी भूतों का निवास माना जाता है। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी का नाम ज्यादा तब फेमस हुआ जब ये पता चला कि बाहुबली फिल्म की शूटिंग यहीं हुई है। उससे पहले सिर्फ साउथ में ही लोग जानते थे। ये फिल्म सिटी हैदराबाद में है, जहां पर इतिहास में निजाम सुल्तानों की कई ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई थी। इस जगह पर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे कि अचानक से लाइट चली जाना, शूटिंग के दौरान छत से लाइट गिर जाना और शूटिंग के दौरान वहाँ पर काम कर रहे लोगों का घायल होना। कई जगहों पर तो उर्दू में कुछ लिखा हुआ भी मिल जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर मरे हुए सैनिकों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए कई सारे उपाय भी किए गए, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं हुआ। नंबर 2, डाउ हिल, पश्चिम बंगाल। करीब 4,864 फीट ऊपर बसा ये हिल स्टेशन दार्जिलिंग से सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर है। डाउ हिल से जुड़ी एक मिस्ट्री बहुत कम ही लोगों को पता है। डाउ हिल की जंगलों में काफी सारी आत्माएं भटकती रहती हैं और यहाँ के जंगलों में इंसानों की हड्डियां मिलना तो आम बात है, इसीलिए यहाँ के जंगलों में अगर हवा भी चलती है तो डर सा लगता है। यही करीब में ही एक लड़कों का स्कूल है। कहा जाता है कि इस स्कूल में हमेशा से किसी न किसी के चलने की आवाज आती रहती है, वो भी छुट्टियों के दौरान। यहाँ पर रहने वाले एक आदमी का तो यहाँ तक कहना है कि एक बार जंगल में वो लकड़ियाँ काटने गया था और वहाँ पर एक बॉडी बिना सर के चल रही थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो बॉडी गायब हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वहाँ के रहने वाले लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन डाउ हिल के जंगलों में जाने वाला हर इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट। वैसे तो राजस्थान टूरिस्टों के लिए एक फेवरेट जगहों में से एक है, क्योंकि राजस्थान में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ जाने का हर किसी का मन करता है और उन्हें लिस्ट में शामिल है भानगढ़ का किला, जहाँ लोग घूमने तो जाते हैं लेकिन दिल में अपने डर को दबाकर।
कहा जाता है कि 16वीं सदी में भानगढ़ काफी खूबसूरत हुआ करता था और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी वहाँ की महारानी, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन एक बार राजकुमारी की खूबसूरती पर काली नजर पड़ती है काले जादू के तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की, जो कि राजकुमारी को देखने के बाद उसे पाने की हर नामुमकिन कोशिश करता है और फिर वो आजमाता है अपना काला जादू, जिसका उल्टा असर उस पर खुद ही पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मरने की हालत में हो जाता है। लेकिन मरते मरते वो भानगढ़ वासियों को बर्बादी का श्राप दे देता है और फिर कुछ ही दिनों में भानगढ़ अपने पड़ोसी राज अजबगढ़ से हार जाता है, जिस दौरान राजकुमारी सहित सारे लोग मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। लेकिन वहाँ रहने वाले लोग कहते हैं कि आज भी उन मरे हुए लोगों का भूत रात के दौरान उस किले में भटकता है। इसीलिए भानगढ़ में सूरज डूबने से पहले ही उस किले को बंद कर दिया जाता है और किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप भी अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।